नमस्कार, आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज चैनल। मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। राजस्थान के चित्तौड़ जिले के अंतर्गत थाना बेगू के बिलखेड़ा चौराहे पर हुई मॉब लिंचिंग की घटना को जय संगठन राजस्थान सरकार की नाकामी के रूप में देखते हुए उक्त हत्याकांड के विरोध में आज झाबुआ गए अलग अलग क्षेत्रों में संगठन द्वारा ज्ञापन दिया गया। उक्त ज्ञापन के द्वारा मांग की गई कि राजस्थान सरकार राजधर्म का पालन करने में नाकाम रही और बार बार आदिवासियों के विरुद्ध हमले और हत्या करने अथवा रोक पाने में असमर्थ रही है। इसके पूर्व भी डूंगरपुर जिला स्थित काकरी डूंगरी पर आंदोलनकारी आदिवासी युवाओं पर गोलीबारी की गई थी, जिसके लिए हम आदिवासी समाज राजस्थान के राज्य सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। इन सब घटनाओं के मद्देनजर संगठन ने महामहिम राज्यपाल राजस्थान से राजस्थान राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की, भरण पोषण हेतु ₹50 लाख दिए जाने की मांग की। वहीं मध्य प्रदेश राज्य शासन की मंत्री उषा जी ठाकुर के द्वारा बार बार अनर्गल बयानबाजी करते हुए आदिवासी समाज का किए जा रहे अपमान के विरोध एट्रोसिटी एक्ट में प्रकरण दर्ज कर मंत्रिमंडल से बाहर किए जाने हेतु विज्ञापन के द्वारा मांग की गई है, क्योंकि बार बार आदिवासी विरोधी बयानबाजी मंत्री महोदय के मनुवाद से ग्रसित मानसिकता का आभास होता है, जो कि संविधान एवं विधि के विरुद्ध आचरण होकर निंदनीय है।